आप रचना से पैदल फैसलाबाद चले जाओ। इन कदमों की कोई कीमत नहीं, लेकिन यही आंसू अगर हमें हुसैन में बहे तो क्या इसकी खरीदार जनाब सैयदा फातिमा हो जाती है। कदम तो कदम है, लेकिन अगर फैसलाबाद तक जाए तो कदमों की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यही कदम अगर नजब से पैदल हुसैन के हरम की तरफ चले तो फरमाए कदमों की खाक से मलाके अपने परों को मसल। कमाल कदमों का नहीं, ये कदम पाकिस्तान में भी थे, लेकिन यही कदम जब नजब से करवाया जाते हैं तो खरीदार खुदा बन जाता है। आंसू तो आंसू है, लेकिन अगर माल के लिए बहे, दौलत के लिए बहे, शोहरत के लिए बहे, किसी तकलीफ में बहे तो कोई कीमत नहीं। लेकिन यही आंसू जब हमें हुसैन पे बहाए जाते हैं तो बरना खरीदार जनाब फातिमा बन जाती है। न जायका बदला, न आंसुओं का रंग बदला, बस बदली तो एक निस्बत बदली। जब निस्बत हुसैन से बनी तो आंसुओं की कीमत बढ़ गई, जब कदमों की निस्बत करबला से बनी तो कदमों की कीमत बढ़ गई। तो फरमाया ये आलम जिसमें जिंदगी बसर कर रहे हो ये निस्बतों का आलम है। कयामत के दिन जब बंदों को बुलाया जाएगा तो निस्बत से बुलाया जाएगा, कहाँ है हुसैन के चाहने वाले ये निस्बत है, कहाँ है इसके गम में अज़ादारी करने वाले ये निस्बत का चक्कर है। तो फरमाया निस्बत अगर अच्छी तो इंसान अच्छा, निस्बत अगर बुरी तो इंसान बुरा। का खुश नसीब हो क्योंकि तुम्हारी निस्बतें हुसैन इब्न अली के साथ हैं। तभी फरमाया मन यमुत यरनी, जो भी दुनिया से जाएगा वो हुसैन नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन के पहले चेहरे की ज़ियारत करेगा। किसी ने पूछा कि मौला ये मोहब्बत का सिलसिला क्या है? इंसान दुनिया में जो कुछ करता है वो मोहब्बत के चक्कर में करता है। आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हो किसके लिए? औलाद के लिए। माँ 9 महीना बच्चे को पेट में पालती है, ये इतनी तकलीफ बर्दाश्त करती है किसकी मोहब्बत में? औलाद की मोहब्बत। चौथे इमाम से किसी ने कहा कि मौला ये माँ इतनी तकलीफ क्यों झेलती है? इमाम ने फरमाया औलाद की मोहब्बत में। और मासूम ने फरमाया फिर ये देख किसने इस माँ के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत को डाला हुआ है। अगर ये मोहब्बत औलाद न होती 2 साल माँ तकलीफ न उठाती। यानी किसने इस माँ को इतना मजबूत किया? इस मोहब्बत ने इस माँ को मजबूत किया। तो फरमाया मोहब्बत इतनी खतरनाक है, चाहे तो किसी को अर्श पे ले जाए और चाहे तो किसी को अर्श से फर्श पे ले जाए। शैतान अर्शी था लेकिन गलत मोहब्बत की वजह से फर्श पर आके गिरा। हर फर्श पर था लेकिन हुसैन की मोहब्बत ने उसे अर्श पर बुला दिया। ये मोहब्बत इंसान को अजीज भी बनाती है और ये मोहब्बत इंसान को जलील भी बनाती है। सवाल यह है कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ? क्योंकि वजूद इंसान का अगर कोई किबला है तो वो मोहब्बत है। आपको जिससे मोहब्बत होगी आप उसी के पीछे दौड़ोगे। कई जवान हैं मजाजी इश्क में चले जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, खानदानों को छोड़ देते हैं, कई खुदकुशियां कर लेते हैं मोहब्बत के चक्कर में। माल है, दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन एक गलत मोहब्बत में पड़ा इसने हर चीज को खुदा हाफिज कह दिया और खुदकुशी कर दी। ये मोहब्बत है जो इंसान का किरदार बन जाती है। तो फरमाया सही मोहब्बत करोगे तो जिंदगी सही बनेगी, गलत मोहब्बत करोगे तो जिंदगी गलत बन जाएगी। अब तुमने ये देखना है कि मैंने मोहब्बत किससे करनी है, मैंने नफरत किससे करनी है। अगर मोहब्बत बका से तो बाकी रह जाओगे, अगर मोहब्बत फना से तो फना हो जाओगे। अब कहा देख पूरी कायनात को, जिस शय का भी तू आशिक बनेगा बिल आखिर उसमें फना हो जाना है। हुस्न के आशिक बनोगे एक दिन हुस्न खत्म हो जाएगा, माल के आशिक बनोगे एक दिन माल बाकी न रहेगा, घरों और दीवारों के आशिक बनोगे, प्लॉट और बंगलों के आशिक बनोगे एक दिन उन्हीं बंगलों से निकाल कर कब्र के अंदर भेजा जाएगा। ये बताओ कौन सी चीज है जो हमेशा बाकी रहे? आज चेहरा हसीन है कल झुर्रियां पड़ जाती हैं, आज बाल काल है कल सफेद बन जाते हैं, आज बंगा तमंगमंद और ताकतवर है कल सुस्ती बदन पे छा जाती है। तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बका दी गई हो। तो दो चीजें
हैं, या आशिक फना बनो या आशिक बका बनो। करबला में हुसैन ने तर्स दिया कि यजीद तू आशिक फना है, हुसैन आशिक बका। यजीद फना का आशिक बना तो फना हो गया और हुसैन ने बका के लिए जान दी। आज 1400 साल के बाद हुसैन का नाम भी जिंदा है, हुसैन का किरदार भी जिंदा है। तभी बहुत प्यारा जुमला आयतुल्लाह मराकी फरमाते हैं दुनिया की कोई ऐसी लज्जत नहीं जिसकी इंतहा निजासत न हो। पानी पियोगे इंतहा निजासत, खाना खाओगे इंतहा निजासत, लज्जत निकाह होगे इंतहा निजासत। मतलब ये अजीब फलसफा है परवरदिगार आलम का कि लज्जतें देता भी खुद है फिर उन लज्जतों को निजासत में बदल के दिखाता भी है कि जिससे तू लज्जत ले रहा था यह उसकी इंतहा है। यानी इब्तदा पे इंसान मरता है, इंतहा को देख के इंसान भाग जाता है। तो फरमाया ऐसी लज्जत के आशिक क्यों बनते हो जिसकी इब्तदा तो लज्जत है लेकिन इंतहा निजासत है। ऐसी लज्जत के आशिक बनो जिसकी इब्तदा भी नूर हो और इंतहा भी नूर हो। जरा खाने पीने की इंतहा और इब्तदा को छोड़ दे, अपनी इब्तदा दे। रोटी की इब्तदा पाकीज़ा, खाने के बाद इंतहा निजासत। पानी की इब्तदा पाकीज़ा, खाने के बाद इंतहा निजासत। लेकिन कब अरे इंसान जरा अपनी इब्तदा दे। अव्वल हुर नुत्फा, तेरी इब्तदा भी निजासत। आखिर हूँ जीफा, तेरी इंतहा मुर्दार। क्यों ताकीद है अगर बेटा मर जाए, बाप मर जाए, माँ मर जाए, भाई मर जाए, अजीज से अजीज रिश्तेदार मर जाए, जल्दी से जल्दी दफनाओ। क्यों? क्योंकि दो दिन अगर घर में रहा वो बदबू होगी कि कोई करीब से करीब करीब रिश्ता इस बाप के करीब जाना पसंद नहीं करेगा। जल्दी दफना ताकि मोहब्बत बाकी रहे। अगर 4 दिन ये जनाजा इतनी गर्मी में बाहर रहा तो तेरे अंदर कराहत होगी। अल्लाह नहीं चाहता कि माँ से कराहत हो, बाप से कराहत हो, बेटे से कराहत हो। जल्दी से कब्र में दफना ताकि मोहब्बत क्या रहे, बाकी रहे। ये दर्श कायनात है, इंसान जिस भी शय से मोहब्बत करेगा उसको अल्लाह ने क्या दी है, फना। अब मजलिस हुसैन हमें क्या सिखाती है, ये बका का दर्स देती है। हम मजलिसों में आके माल के आशिक नहीं बनते, मजलिसों में आके शोहरतों के आशिक नहीं बनते। मजलिसों में किसका आशिक बनाया जाता है, हुसैन इब्ने अली का आशिक बनाया जाता है। मतलब इस जहां को फर्श अदा पे बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि दिल है सर में मोहब्बत, पानी डलता है गिलास में, पानी मजरूफ है जिस चीज में डाला जाता है वो जरफ है, लिबास पहना जाता है बदन में। मोहब्बतों का घर क्या है, कल्ब बशर, ये दिल मोहब्बतों का घर है। अब अगर दिल में गैर मासूम की मोहब्बत आई तो इंसान गैर मासूम का दीवाना, और दिल में अगर हुसैन की मोहब्बत आई तो इंसान हुसैन का दीवाना। तो फरमाया दिल को पाक करो और इश्क पाक को पाकीज़ा मोहब्बत लाओ। और फरमाया कि हम तुझसे ये नहीं कहते कि हमारी आल से मोहब्बत करो। कहा कि आल रसूल से मवद्दत करो, ये नहीं कहा मोहब्बत, ये भी नहीं कहा कि इश्क करो, बल्कि कहा मवद्दत करो। क्योंकि मोहब्बत करना अली और आल अली से कमाल नहीं। गांधी भी हुसैन का आशिक, कई मसीही अहलबैत के आशिक, कई हिंदू जो मजलिस से अदा कराते हैं अहलबैत के लिए। क्योंकि फरमाया मोहब्बत करने में अहले बैत से जहमत नहीं लगती। और कीजिए मोहब्बत करने में अहले बैत से जहमत नहीं लगती। कैसे? मसलन इस मजमे से सवाल करूं कि इस मजमे में कोई ऐसा बंदा है
جسے سخی بندوں سے نفرت ہے. کوئی ایسا ہے جو کنجوسوں کا عاشق ہو؟ کوئی ایسا ہے جسے ظالموں سے محبت ہو؟ آپ سب کہہ رہے ہیں نہیں. کس نے آپ کو بتایا کہ کنجوس لائے جو محبت نہیں ہوتا, سخی لائے جو محبت ہوتا ہے؟ کوئی مجمع میں ایسا ہے جو کہے کہ مجھے میدان سے بھاگنے والوں سے بڑا پیار ہے؟ بھگوڑے سے کوئی پیار نہیں کرتا. ہر بندہ شجاع کا عاشق ہوتا ہے. بیٹا بھی بہادر ہو تو پسند, ڈرپوک ہو تو نہیں پسند. یہ کتنا شجاع نے عاشق بنایا ہے کہ ہر بندہ عاشق کمال. جہاں آپ کو کمال نظر آئے گا وہاں آپ اس کو کیوں بن جاؤ گے؟ عاشق بن جاؤ گے. آپ کے گاؤں میں دو لوگوں مشہور ہو جائے, یہ بندہ ہر میدان سے بھاگ جاتا ہے, یہ بندہ ہر میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کس کے عاشق بنو گے؟ جو میدان میں لڑا رہے. آپ کو پتا چلے یہ کنجوس ہے یہ سخی, آپ کس کے عاشق بنو گے؟ سخی کو. بھلے خود کنجوس ہونا, لیکن کہو گے لوگ میرے ساتھ سخاوت کریں, میں سخاوت کا عاشق ہوں. تو فرمایا سخاوت کا عاشق بننا, حسن کا عاشق بننا, خوشبو کو پسند کرنا, عالم کو پسند کرنا, کمال کو پسند کرنا, یہ فطرت کا انسان ہے کہ ہر بندہ عاشق کمال ہے. جہاں اچھائی نظر آتی ہے انسان تعریف کرتا ہے, جہاں حسن نظر آتا ہے انسان تعریف کرتا ہے, جہاں علم نظر آتا ہے انسان تعریف کرتا ہے, جہاں کمال نظر آتا ہے انسان تعریف کرتا ہے, جہاں طاقت نظر آتی ہے انسان تعریف کرتا ہے. کبھی بھی انسان رضائل کا عاشق نہیں بنتا, انسان کمالات کا عاشق بنتا ہے. اب فرمایا جب خدا نے سارے کمالات کو محمد اور آل محمد میں جمع کر دیا تو یا پوری کائنات کو محمد اور آل محمد کا عاشق بنا دیا. کسی نے کہا کہ آپ پہلے خلیفہ کی فضیلت میں لکھتے, دوسرے کی فضیلت میں لکھتے, آپ نے سب کو چھوڑ کے شیعوں کے پہلے امام کی فضیلت میں کیوں لکھی؟ کہ میرا مقصد کتاب لکھنا نہیں تھا, میرا مقصد تھا ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں کائنات کے سارے فضائل پائے جائیں. جب میں فضائل کی تلاش میں نکلا تو علی کے علاوہ کوئی اور مجھے ملا ہی نہیں. خدا نے جب کمال اہل بیت کے ذات میں رکھ دیا تو دنیا کس کی عاشق بنے؟ کیونکہ آپ کسی باغ سے گزر رہے ہیں, خوبصورت پھول لگے. اب آپ یہ تو نہیں کہو گے رجوع میں جو پھولوں کا باغ ہے اس سے صرف شیعہ محبت کرتے ہیں, سننے نہیں کرتے. پھولوں سے شیعہ اور سننے سے لینا دینا نہیں. جو بھی حسن پسند ہوگا وہ پھولوں کا عاشق ہوگا, جو بھی خوشبو پسند ہوگا وہ عطر کو پسند کرے گا. یہ اور بات ہے, بعض لوگوں کو بدبو پسند ہوتی ہے, وہ بدبو کے پیچھے لگے. لیکن فطرت اگر پاک ہے ہر بندہ پھول کی تعریف کرے گا. تو علی کا تعلق صرف شیعوں سے نہیں ہے, علی کا تعلق اہل بیت کا تعلق پاک فطرتوں سے ہے. جس کی فطرت پاک ہوگی وہ اہل بیت کا عاشق بن جائے گا, جس کی فطرت نجس ہوگی وہ کبھی علی کے قریب بھی نہیں آئے گا. اور یہ بڑی عجیب چیز ہے, ایک مزاحیہ بات کی ہے. کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک کسان کی بیوی مر گئی, تو کسان بیٹھ کے رونے لگا, ساتھ میں ایک مراسی کو آواز کو بڑھا دیں. تو مراسی نے دیکھا کہ بیچارہ کسان جو رو رہا ہے, جناب کیوں رو رہا ہے؟ اور کہا کہ بیوی کا انتقال ہو گیا, ہم تو دعائیں کر رہے ہیں اور تو مرنے پہ رو رہا ہے. نہیں, بیوی کے جانے پہ نہیں ہو رہا, اس کے جانے سے جو گاؤں والوں کا کھانا کرنا ہے اس پہ ہوتا. اب ظاہر ہے گھر میں انتقال ہوا تو کم از کم چار پانچ لوگوں گاؤں کے بلانے ہیں, چاول کرنے ہیں, اس میں کوئی مرغی کوئی بڑا جانور سوا کرنا پڑے گا. پیسے نہیں میرے پاس, اب اسی پریشانی میں ہوں کتنے گاؤں والوں کو کھلاؤں گا. تو مراسی صاحب نے کہا کہ دیکھو گاؤں کا جو وڈیرا ہے زمیندار ہے, اس سے جا کے ایک بیل, اتنا امیر آدمی ہے, گاؤں والوں کو مشکل آئی ہے تو ایک بیل ہی لے. تو انہوں نے کہا مراسی صاحب عجیب باتیں کر رہے ہو, وہ اپنی مرغی کسی کو نہ دے.
एक नंबर का कंजूस, और आप कह रहे हो कि उससे इतना बड़ा बिल। इन्होंने कहा देखो किसान, तुझे मांगना नहीं आता, मैं निराशी हूं, मुझे पता है कैसे मांगा जाता है, हम निराशी के मांगने का अपने अंदाज होता है। तो कहा कि चलो देखो आप कैसे मांगे। फितरत इंसान देखिए, मैंने कहा इंसान आशिक कमाल, चाहे कंजूस क्यों ना हो लेकिन इश्क सखी से चलता है, चाहे बुजदिल क्यों ना हो लेकिन आशिक अली का बनता है। कमाल इंसान आशिक कमाल का होता है। गाँव में कुछ ले जाओ, ये इसको ले गए जमींदार साहब अपनी हजारों एकड़ जमीन पे खड़े थे, इन्होंने दूर से देखा के अपनी जमीनों को देख रहे हैं, निराशी में कोई 15-10 फीट के फासले से इस किसान को अपने साथ लेके जा रहे थे, और बुलंद बुलंद आवाज में इस जमींदार के दादा की तारीफ करना चाहिए। तुझे नहीं पता इस जमींदार का दादा कितना सुखी, फला मोमिन बीमार हुआ गांव वाला, उसकी ये मदद की, फना को ये जमीन का टुकड़ा दिया, फना को इतने पैसे दिए। अब जमींदार सुन रहा है, वो जमींदार जो एक नंबर का कंजूस है, कहते 5 फीट और आगे बढ़ा, का दादा तो दादा लेकिन इसका अब्बा भी बड़ा सफल, फला को ये मसला हुआ ये पैसे दिए, फला को ये हुआ वो दिए, पूरे काम में सबको पता था कि अगर कोई खानदान सफी है तो जमींदार का खानदान। जरा और आगे बढ़ा, 2-2.5 फीट के पास चल, का दादा तो दादा बाबा तो बाबा लेकिन ये खुद इतना सफी है, इसने उन दोनों को पीछे छोड़ दिया। तो किसान ने कहा भाई अब जाके मांगे का नहीं, अभी भी नहीं, सब्र कर, 2-4 तारीख और दूं अब चलेगा, अभी भी नहीं, उसका मुंह देखता हूं, 4 जुमले और तारीफ पे बोले, किससे बड़ा कोई सुखी नहीं, जिसे भी मसला हो, जिसे भी परेशानी हो, जिसे भी कोई हो, ये बस बडेरे के पास जाता है और बडेरा अपनी तिजोरियां खोल देता है। जब उसने आखिरी तारीफ की तो जमींदार ने अपनी मूंछों को ताव दिया, इसने कहा अब जो मांगना है मांगो। हाँ भाई क्यों आए हो, कबड़ेरा साहब ये बेचारा बीवी मर गई है परेशान है, और मैंने कहा है इससे सखी बड़े के होते हुए गांव का कोई बंदा परेशान हो ये कोई बात है, मैं इसको आपके पास लेकर आया। तो कबड़ेरे ने कहा ये भी कोई बात है, इतने बेल खड़े हैं जिसे चाहो ले जाओ। तो हमारे उस्ताद कहते थे अगर किसी कंजूस की भी झूठी तारीफ करो वो सफी बन जाता है, अगर किसी कंजूस की भी झूठी तारीफ करो वो क्या बन जाता है, सफी बन जाता है। कहा एक बंदे खुदा, वो खुदा तो है ही सफी, तो उसकी तारीफ क्यों नहीं करता। जवाब भी खुद दे रहे हो और पूछ भी रहे हो कि हम अली से मोहब्बत क्यों करते हैं,
पूरी तरह कमाल की आशिक बन जाती है। आज जिस जमाने में शिया रह गई, आपके लिए सुनहरी जमाना। आप कौन सा जमाना जिसके हाथ में मोबाइल है, और किस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमको बात उसी तरह वासिल होता है। आज हमारा जवान पूरा शरह से पढ़ा है, आज शिया जवान मोहब्बत और नफरत में कंफ्यूज नहीं। अब 8 साल के शिया बच्चे को उठा उसे पूछो कि यजीद पे लानत भेजनी चाहिए नहीं, वो अटल फैसला सुनाएगा कि यजीद लानत नफरत है, लायक मोहब्बत है। लेकिन वहां चले जाइए उनके मुफ्तियों से पूछिए, किताबें पढ़नी खंगालनी, मुफ्ती बन गए, कुरान की आयतें याद कर ली, हाफिज हदीस बन गए, और उन्हीं पर जवान आदम से सवाल करता है कि कबला ये बताइए यजीद ने जुल्म किया कि नहीं जुल्म किया, फजंद रसूल के साथ जाती की कि नहीं जाती की, तो फिर कहिए ना यजीद पे लानत। तो कहते नहीं हम लानत नहीं दे सकते, लानत भेजना शिया का काम है, ये तबर्रा शिया करते हैं, हम नहीं करते। मैंने कहा तबर्रा तो खुदा भी कर रहा है, बेटा खुदा भी शिया हुआ। अल्लाह ने अटल फैसला सुना दिया कि लानतुल्लाह अलल कौम अज़ालिमीन, अल्लाह की लानत है ज़ालिमों पर। अगर ज़ुल्म यज़ीद साबित है तो लानत खुदा भी ऑटोमेटिक कर दिया जाती है। ये करम इमाम हुसैन है कि आज शिया मसले कंफ्यूज नहीं है, आज उनके बड़े बड़े कंफ्यूज हैं, जो कातिल को भी रज़ी अल्लाह कहते हैं, मक़तूल को भी रज़ी अल्लाह कहते हैं, तो जालिम को भी रसूल अल्लाह कहते हैं, मजलूम को भी रसूल अल्लाह कहते हैं। लेकिन ये शनास इमाम हुसैन ने आपकी नस्लों को दी कि जालिम को जालिम कहो, मजलूम को मजलूम कहो, कातिल को कातिल कहो, मक़तूल को मक़तूल कहो। आज वाहिद फ़िरका है शियों का जो मोहब्बतों और नफरतों में कंफ्यूज नहीं, आपकी मोहब्बतें नफरतें मिक्स नहीं, आपको पता है किससे मोहब्बत करनी है किससे नफरत करनी है। लेकिन आमाय जमात मुस्लिमीन इन चीजों में कंफ्यूज हैं कि भाई हमने मोहब्बत किससे करनी है नफरत किससे। आज भी इनके बड़े बड़े मुफ्ती ये कंफ्यूज हैं कि यजीद पे लानत भेजनी चाहिए या नहीं। अल्लाह फैसला कर, अल्लाह की लानत है ज़ालिमों पर, फिर फैसला सुन, लानतुल्लाह अलल कौमिल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठों पर जो आले रसूल पे झूठ बांधे हैं, जो अली पे झूठ बांधे हैं, जो 70,000 मेंबरों से अली पे झूठ बनवाए, जो ये कहे कि अली नमाजी नहीं था, जो ये कहे कि आले रसूल नमाज नहीं पढ़ते, और अल्लाह क्या कहे तोहमत लगाने वालों पर झूठों के अल्लाह की क्या है हालत है। तो ये करम इमाम हुसैन था कि हुसैन इब्ने अली ने नस्लों को क्लियर कॉन्सेप्ट दिया कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है। वो माशरे तबाह हो जाते, आप रजवा में रहते हो, रजवा की आबादी अगर बेहतरीन आबादियों में बनना चाहती है, ये तब बेहतर बनेगी जब इनको अच्छाई और बुराई की तमीज होगी। जिस घर में अच्छाई और बुराई की तमीज खत्म हो गई, जिस माशरे में सही और गलत का फर्क खत्म हो गया, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं पाकिस्तान की सोसाइटी, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता हमें नहीं पता कि अच्छाई क्या है, हमें नहीं पता कि बुराई क्या है, कभी कौन बुरा बन जाता है कभी कौन अच्छा बन जाता है, यहाँ पता ही नहीं लगता। इसी फर्क को बताने के लिए इमाम हुसैन ने इतनी कुर्बानी दी कि फरमाया मैं निकला मदीने से अपने नाना के दीन को जिंदा करने के लिए, जो दीन मुर्दा हो चुका है, बिदातों को खत्म करने के लिए, कि चंद सालों के फासले में मुसलमानों ने अपने नबी के नवासे के गले में तलवार चला दी। जब इंसान मर जाता है तो हॉस्पिटल में उसको जिंदा करने के लिए 400 वोल्ट का करंट लगाया जाता है, जिंदा हो। कहते हैं मुसलमानों के मुर्दा माशरे के जिस्म को जिंदा करने के लिए हुसैन ने अपने खून की कुर्बानी दी। इमाम ज़माना फरमाते हैं कि बह जाते हैं, कहते हैं बदन का बेहतरीन खून इंसान के दिल का खून होता है। हुसैन ने राह खुदा में अपने दिल का खून दिया, लेकिन रसूल ने हम शियों से ये नहीं कहा कि मेरी आल से मोहब्बत करो ना मुसलमानों से, कभी है ही बात ना। अली सखी हैं, मोहब्बत खुद हो जाती है, ये मैदान जंग में फाते है मोहब्बत खुद हो जाती है, ये अपने मत का सबसे बड़ा आलिम है मोहब्बत खुद हो जाती है। तुमने मोहब्बत नहीं करी, मोहब्बत तो हो ही जानी है, उसमें कोई जहमत नहीं है, पर वायशियों तुमने आल रसूल से मोहब्बत। एक जुमला रब की मुसीबत,
कहा मोहब्बत क्या? फरमाया घर में बेटा है मोहब्बत बेटे से करो, बेटी है मोहब्बत बेटी से करो, घर है माल है दौलत है वतन है बेटी है जबान है कल्चर है इन सब से तुम मोहब्बतें करते हो। और कहा कि जहां कायनात की मोहब्बतें खत्म होती हैं वहां से मोहब्बत की उत्पत्ति होती है। करबला मोहब्बतों का मैदान है और इस मोहब्बत को आपने जो करबला जा चुके हैं अरबीन के दिनों में महसूस किया। जो बंदा अपने घर से लेकर दुकान तक पैदल नहीं जाता जैसे गाड़ी नहीं जाती, जो शदीद गर्मी में घर की ऐसी से बाहर नहीं निकलता कि बाहर गर्मी बहुत है लेकिन करबला में लोग मिन्नत नहीं करते गाड़ी में बैठ के कहता नहीं मैंने पैदल हो सकती की तरफ जाना। मोमिन गर्मी है कहीं बीमार ना हो जाए पाँव में छाते पड़ जाते हैं लेकिन कहता नहीं मैंने हुसैन की तरफ जाना। इसे कहते हैं मोहब्बत कि अपने वजूद को कुर्बान करे किसी की मोहब्बत। एक अंग्रेज खातून ने कहा मैंने जब करबला का वाकया पढ़ा कि मुझे नहीं लगती कि उन्हें फरवा पासे से मोहब्बत करती थी। कहा क्यों? कहा 14 साल का बच्चा नहीं बदन बगैर जरा किसी मैदान में भेज दिया, माँ को पता नहीं था जब जाएगा तो जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कहा माएं पूरी रात जागती हैं कि बच्चा बच जाए, ये कैसी माँ है कि अपने लाल कुर्ता लालों और तीर के साए में भेज दिया तो उम्र फरवा की आवाज आई ये मत कहो मुझे कासिम से मोहब्बत नहीं, कासिम से मोहब्बत थी पर हुसैन से मोहब्बत थी। जिससे मोहब्बत हो उसके अली असगर कुर्बान किया जाता है। जब मकाम में मोहब्बत हो तो ज़ैनब अपनी चादर को कुर्बान कर देता है। आज सवाल है नस्लों और जवानों से कि हमने आले रसूल पे हमने राह खुदा पे हमने दीन खुदा पे क्या कुर्बान किया। अफसोस किसी जवान ने कहा कि मौलाना घंटों घंटों में मजलिस में बैठता हूँ मुझे कोई ताकत रोकती नहीं, चार चार दिन अरबईन की वॉक पे जाता हूँ मुझे कोई ताकत रोकती नहीं, घंटों घंटों मातम के हलकों में खड़े होकर मातम करता हूँ मुझे कोई ताकत नहीं रोकती। लेकिन कहते मौलाना मुझे नहीं पता मेरे साथ मसला क्या। मैंने कहा क्या मसला हो? कब मजलिस में आ जाता हूँ मातम में चला जाता हूँ करबला चला जाता हूँ ज़ियारत में चला जाता हूँ कोई ताकत नहीं होती। लेकिन मौलाना जब मौसम के लिए इबादत पे आना चाहता हूँ ऐसा लगता है कि कोई मुझे रोक रहा है। डेढ़ घंटा मजलिस में बैठ लेता हूँ गर्मी में पसीने से शर हो रहा कोई नहीं रोक रहा लेकिन 17 मिनट मुसल्ले पे मुझे नहीं जाने देता। कितने मिनट? 17। चार दिन करबला चला जाऊंगा पैदल चलूंगा नहीं रोका। लेकिन कहते हैं नियत करता हूं नमाज पढ़ूं जैसे कोई मेरे पांवों को रोक रहा है कि यहां न जाओ। कहा क्या मजा है? मैंने कहा छठे मां का फरमान सुन क्यों तुझे 17 मिनट से रोकता है। इमाम फरमाते हैं कुबिलत माफ़ हो गया, अगर ये 17 मिनट कबूल हो गए तो हर इबादत कबूल हो जाती है। लेकिन अगर ये 17 मिनट कबूल नहीं तो कोई इबादत कबूल नहीं होती। या ऐसे है कि आपने सारी इबादतों को नेकियों को कमरे में बंद किया कुंजी हाथ से खो गई चाबी नहीं बंद रही। ये चाबी है 17 मिनट अबा करबला के मैदान में। आबा हुसैन नमाज पढ़नी थी तो खेमे के अंदर पढ़ते मैदान में क्यों पढ़ रहे हो? पहले हमले में 40 असाद हुसैन शहीद हुए जिसने सबसे ज्यादा तीर खाए वो थे जनाब सही 90 साल का बूढ़ा। कहते हैं हिफाजत नमाज हुसैन खड़ा हो गया मिलता है 17 तीर लगे सही 90 साल का बूढ़ा जब बदन से खून बहने लगा तो हाथों में रक्षा था मुड़ के देखा तो अभी भी मेरे मौला क़याम में थे। बदन को कहा बदन इतनी मोहलत दे मेरे हुसैन की नमाज खत्म हो जाए। कहते यहां मौला ने आखिरी सलाम किया या सजीद जमीन कर लगा तो गिरने लगा और जब गिरने लगा तो हुसैन ने इतनी तेजी से इसका सर अपने घुटनों में ठान लिया। तो इतनी कुर्बानी दे उसे तो मुतमईन होना चाहिए ना? नहीं। जैसे इमाम पे निगाह पड़ी एक जुमला का मौला का रवायत
राजी हो गए। इमाम ने कहा सही दुनिया भी राजी मेरी अम्मा जहरा हो गए। ये वो सफरा है बैठे ये वो नमाज हुसैन है। तभी फरमाया है मोमिन जो आशिक हुसैन किसी ने रोकर अर्ज की मौला हुसैन के आपकी करबला सिर्फ अमीरों के लिए है। मौला गरीबों को करबला नहीं बुलाओगे, मौला बीमारों को करबला नहीं बुलाओगे। ख्वाब के आलम में इमाम हुसैन को देखा, इमाम ने फरमाया मत कहो कि हुसैन सिर्फ अमीरों का हुसैन है। अगर जिंदगी में आ सकते हो तो मेरी करबला जरूर बना, लेकिन अगर नहीं आ सकते तो हम घर बैठे तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अदा करने के लिए भी तैयार हैं। मौला वो कैसे जब दिल तड़पे हुसैन के लिए तो मुझ हुसैन को खुलूस दिल से एक सलाम किया था। कमला एक सलाम से सवाब ज़ियारत मिलेगा कहाँ मिलेगा, लेकिन एक निशानी है जब मुझ हुसैन को सलाम करो अगर न चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आते ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया। किसी ने मेरे चौथे इमाम को कहा मौला ये ज़ियारत आशूरा शिया पढ़ते हैं उसमें भी बहुत सारे सलाम हैं। चौथे इमाम से मौला अक्सर ताकीद करते हैं कि मेरे बाबा हुसैन को सलाम किया कि मौला इतने सलाम क्यों कराए जाते हैं। रोकर कहा क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस रहा था। क्या मतलब का कहते थे हुसैन तू नमाज क्यों पढ़ता है, नमाज तेरे लिए नहीं बाकी नमाज क्यों पढ़ता है। सलाम मुसलमानों को किया जाता है हुसैन को सलाम नहीं करते थे। क्या तुम शिया मेरे जद को सलाम किया करो जिस सलाम से हुसैन के कलेजे को ठंडक पहुंचती है। दिलों को करबला की तरफ रवाना करें, ऐसे सलाम करें जैसे ज़ैनब ने अपने भाई को सलाम किया, ऐसे सलाम करें जैसे सकीना ने अपने गरीब बाबा को सलाम किया। जिसे सलाम आता है मेरे साथ पढ़े, जिसे सलाम नहीं आता नाम हुसैन तो हर शिया को आता है। अपनी जबानों से नाम हुसैन को जारी करें सब
ये इमाम ज़माना का पड़ा हुआ नोहा फरमाते मैं तो सुन के लौटा है लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा जालिम ने किस तरह मुसलमानों बुखारी की रिवायत फरमाया कभी